Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we have to cover up the seventh last part of this story, that is chapter 5, The Mother's Day, which is written by J.B. Priestley, and it is the chapter of your supplementary reader book. So now let's come to the conclusion part, when we have seen that Mrs. Fitzgerald, who is real Mrs. Pearson, she was annoyed from the real Mrs. Fitzgerald, that how she can just create problem and nuisance in her family and made her daughter cry, plus her husband worried about each and everything. So now let's come to page number 50. Now what we have seen, that both were confused, George as well as Doris. That why Mrs. Fitzgerald talking rudely to Mrs. Pearson and telling that's enough. And why she was sympathizing with both of them. Now listen, you two. I want to have a private little talk with Mrs. Fitz. She corrects herself hastily. With Mrs. Pearson. So I'll be obliged if you will leave us alone for a few minutes. I'll let you know when we have finished. Go on, please. I promise you that you won't regret it. There is something here that only I can deal with. अब मिसेस पियर्सन जिन जो अभी मिसेस फिट्ज़गेरल्ड थी एट प्रेजेंट, उन्होंने रिक्वेस्ट करी अपने फैमिली मेम्बर से, मींस जॉर्ज एंड डोरिस से, कि अभी मुझे एक स्मॉल प्राइवेट लिटिल टॉक करनी है टू मिसेस फिट्स. बट फिट्स बोल के उन्होंने खुद को करेक्ट करा, नो मिसेस पियर्सन, और मैं आपके लिए थैंकफुल होंगी अगर आप मुझे ये एक लास्ट टॉक करने दें उनसे, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इस टॉक के बाद आप रिग्रेट नहीं करेंगे, आपने कुछ भी गलत नहीं करा और हर एक चीज़ जो बिगड़ी है वो पहले की तरह सही हो जाएगी. सो मुझे जस्ट एक प्राइवेट टाइम चाहिए विथ मिसेस पियर्सन. और उन्होंने रिक्वेस्ट करी टू बोथ द फैमिली मेम्बर्स टू लीव दैट हॉल, दैट इज़ द लिविंग रूम. देन जॉर्ज राइजिंग, आई एम ग्लैड समबडी कैन बिकॉज आई कांट, कम ऑन डोरिस. जॉर्ज वहाँ से उठ गए आर्म चेयर से और उन्होंने बोला मैं खुश हूँ कि कोई हमारे लिए सारी सिचुएशन को करेक्ट कर सकता है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता, आई लॉस्ट. और इसलिए उन्होंने डोरिस से रिक्वेस्ट करी टू कम विथ हिम. लेट्स हैव द ब्रैकेट पार्ट. जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट. एज दे गो मिसेस फिट्ज़गेरल्ड मूव टू द लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल एंड सिट्स. शी ईगरली बेकन्स मिसेस पियर्सन टू डू द सेम थिंग. अब जाकर जॉर्ज एंड डोरिस वो दोनों वहाँ से चले गए, एंड तब जाकर मिसेस फिट्ज़गेरल्ड और मिसेस पियर्सन वो दोनों उस टेबल के साथ जिसमें टू कोजी चेयर्स थी वहाँ पर बैठ गए. एंड शी ईगरली बेकम्स, शी जस्ट रिक्वेस्टेड मिसेस पियर्सन टू चेंज द स्पिरिट्स अगेन. नाउ मिसेस फिट्ज़गेरल्ड, व्हाट शी टोल्ड मिसेस फिट्ज़गेरल्ड, वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट. उन्होंने बोला बहुत हो गया और अब हमको चेंज कर देना चाहिए अपनी स्पिरिट्स को. मिसेस पियर्सन राइजिंग, वाई, वो एकदम गुस्से में उठी, क्यों? तब मिसेस फिट्ज़गेरल्ड ने बोला बिकॉज दिस हैड गॉन फार इनफ, आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल एंड आई कांट बियर इट. उन्होंने बोला क्योंकि मैंने देख लिया आज बहुत कुछ हो गया और मैं उनको इस तरीके से पुअर या मिजरेबल कंडीशन में रोता हुआ नहीं देख सकती, आई कॉन्ट बियर इट ऑल, मैं इन सब चीज़ों को नहीं झेल सकती. तब मिसेस पियर्सन ने बोला अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, शी मूव्स टू द राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स. मिसेस पियर्सन ने बोला कुछ देर और या कुछ टाइम और, सीरियसली ये सब उनको हेल्प करेगा एंड इट विल बी गुड फॉर देम. और आज के आज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया उनके एटीट्यूड में, और कुछ टाइम और चला सो दे विल बी ऑन अ प्रॉपर लाइन सीक्वेंस. और तब जाकर वो राइट साइड ऑफ द टेबल वो बैठ गई. तब मिसेस फिट्ज़गेरल्ड ने रिक्वेस्ट करी नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, आई रियली कांट, वी मस्ट चेंज बैक, हरी अप प्लीज़ मिसेस फिट्ज़गेरल्ड. तब जो रियल मिसेस पियर्सन थी उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मैं अब ये सब और नहीं देख सकती, मुझसे नहीं देखा जाएगा और मुझे ऐसा कोई चेंज नहीं चाहिए जो उन सबको मिजरेबल बनाए या वो इस तरीके से उदास रहें. तो हमें आज के आज अपनी स्पिरिट्स को चेंज कर देना चाहिए, सो जस्ट हरी अप मिसेस फिट्ज़गेरल्ड प्लीज़. देन मिसेस पियर्सन, वेल इफ़ यू इंसिस्ट. अब उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप इतना ज़्यादा फोर्स कर रही हैं, अगर आप रिक्वेस्ट कर रही हैं तो
कोई बात नहीं, वी आर कमिंग बैक टू अवर रोल. मिसेस फिट्ज़गेराल्ड देन टोल्ड, यस आई डू, प्लीज़ प्लीज़. उन्होंने बोला सीरियसली मैं यही चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप जल्दी से चेंज हो जाइए इनटू मी. शी स्ट्रेचेस हर हैंड अक्रॉस द टेबल ईगली. मिसेस पियर्सन टेक्स देम. अब जाकर जो उनका पहला प्रोसीजर था टू यूज़ द मंत्र ऑन द स्पेल अप, इसलिए उन्होंने अपना हैंड स्ट्रेच करा टू डू दैट ईगली. मिसेस पियर्सन क्वाइट नाउ रिलैक्स. अब उन्होंने बोला मिसेस फिट्ज़गेराल्ड को टू बी क्वाइट एंड रिलैक्स्ड. नाउ लेट्स सी द ब्रैकेट. मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्ज़गेराल्ड स्टेयर एट ईच अदर मटरिंग एग्जैक्टली एज बिफोर. अर्शतदम अर्शतलम अर्शतलम दम्बोन. अब उन्होंने फिर से वही स्पेल करा जो उन्होंने एग्जैक्टली पहले करा था. दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर गोइंग लेग्स एंड देम कमिंग टू लाइफ, बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज. अब उन्होंने यही सेम एक्शन दोबारा करा, बट पहले उन्होंने पर्सनैलिटीज चेंज करी थी जिसके कारण सारी प्रॉब्लम आई, बट अब वो दोनों अपने अपने सेम पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर में पहुँच चुकी थी. नाउ मिसेस फिट्ज़गेराल्ड, आ वेल आई एंजॉयड दैट. उन्होंने बोला मैंने अपना ये चेंज कैरेक्टर काफ़ी इंजॉय किया. लेकिन मिसेस पियर्सन जो कि रियल मिसेस पियर्सन थी, अब उन्होंने बोला मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, आई डिडेंट. मिसेस फिट्ज़गेराल्ड, वेल यू ऑट टू हैव डन, नाउ लिसन. उन्होंने बोला आप कर सकती थी इंजॉय, बट तुमने नहीं करा, सो जस्ट लिसन टू मी नाउ. लेट्स कम टू पेज नंबर 51. नाउ लिसन मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन एल्स इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड. उन्होंने बोला एक जनरल एडवाइस कि अब उनके ऊपर बिल्कुल भी सॉफ्टनेस के साथ डील मत करना, नहीं तो जो भी आज मैंने मेहनत करी वो सब वेस्ट हो जाएगी. तब मिसेस पियर्सन ने बोला आई विल ट्राई नॉट टू. मिसेस फिट्ज़गेराल्ड, उन्होंने बोला मैं कोशिश करूँगी कि मैं सॉफ्ट हार्टेडली उनकी हर एक बात को ना मानूँ. मिसेस फिट्ज़गेराल्ड, देन मिसेस फिट्ज़गेराल्ड रिप्लाइड दे हैव नॉट हैड एज लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव गिवन देम अनादर आवर और टू, रफ ट्रीटमेंट माइट हैव मेड इट सर्टेन. अब मिसेस फिट्ज़गेराल्ड ने बोला कि शायद वो आज ही लाइन पर आ जाते अगर मैं उनको एक दो घंटे और ऐसे ही रफ ट्रीटमेंट देती, बट मैं ऐसा नहीं कर पाई. देन मिसेस पियर्सन सेड आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. उनको लगा, मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद वो कुछ बेटर ट्रीटमेंट मेरे साथ करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है. दैट इज़ द जनरल फीलिंग अ सेंस ऑफ अ मदर और अ वाइफ. देन मिसेस फिट्ज़गेराल्ड इन अ सीवियर टोन, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर. उन्होंने बोला जो भी हुआ है इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है और कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जो भी आज हुआ है दैट विल बी वेस्टेड और आप फिर ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे, एवरीथिंग विल बी डन ऑफ. तब मिसेस पियर्सन ने बोला विथ स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स एक बिलीफ, एक कॉन्फिडेंस, इट्स ऑल राइट फॉर यू मिसेस फिट्ज़गेराल्ड, आफ्टर ऑल दे आरंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन. उन्होंने बोला ये आपके लिए ऑल राइट हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि वो आपके हस्बैंड और चिल्ड्रन नहीं हैं, तो आप उनके साथ रूड हो सकते हो, बट आई कांट. देन मिसेस फिट्ज़गेराल्ड इम्प्रेसिवली, नाउ यू लिसन टू मी, यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग दैम एंड दे डिडेंट अप्रिशिएट यू, एनी अपोलोजीज एनी एक्सप्लेनेशंस एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर. आई एम वॉर्निंग यू डियर, जस्ट गिव देम अ लुक अ टोन ऑफ वॉइस नाउ एंड अगेन टू सजेस्ट देम यू माइट बी टफ विद देम. If you wanted to be and it ought to work. Anyhow, we can test it. Mrs. Fitzgerald ने बोला एक impressive form में, listen to me very clearly. आपको ये मानना पड़ेगा कि अभी तक उनको spoil करने में पूरा का पूरा हाथ आपका ही था, और अगर अभी भी आप उनसे हर बात के लिए माफ़ी मांगेंगे या अपना explanation देंगे तो दोबारा वो पहले जैसे हो जाएंगे और उनमें कोई change या कोई सुधार नहीं आएगा. और मैं आपको वॉर्न कर रही हूँ स्पेशली, डोंट गो बैक टू योर सेंसेस, जो अभी तक आप पोलाइटली उनसे डील कर रहे थे, अदरवाइज वो बिल्कुल भी नहीं सुधरेंगे. उनको टाइम टू टाइम एक टफ टोन ऑफ वॉइस या टफ टाइम देना पड़ेगा ताकि वो आपकी रिस्पेक्ट करें
और अभी भी ये सारा काम वर्क कर सकता है इफ़ यू कैन टेस्ट ऑन देम। तब मिसेस पियर्सन ने बोला, कैसे, हाउ? देन मिसेस फिट्ज़गेराल्ड रिप्लाइड, वेल व्हाट इज़ इट यू वुड लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू, स्टॉप एट होम फॉर वंस। अब उन्होंने बोला, आपकी क्या ऐसी ख्वाहिश है कि आप उनसे बोलना चाहती हो कि वो आपके लिए करें बट उन्होंने अभी तक नहीं करा और वो आपके साथ घर पर रुक सके। तब मिसेस पियर्सन ने बोला, यस एंड गिव मी अ हैंड विथ सपर। उन्होंने बोला, हाँ मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ घर पर रुके और मेरे साथ बैठ कर इवनिंग मील खाएं, अ सपर विथ मी, कहीं बाहर जाने से अच्छा है वो मुझे टाइम दे। देन मिसेस फिट्ज़गेराल्ड टोल्ड, एनी थिंग यू वुड लाइक देम टू डू दैट यू कैन एन्जॉय वेदर दे डू और नॉट। उन्होंने बोला, तुम उनसे कुछ भी बोल सकती हो एक एंगर फॉर्म में या अपना एक वेल बिहेव्ड फॉर्म बनाकर, जो कि वो भले ही पसंद ना करें लेकिन आप इंजॉय कर सको बीइंग इन देयर कंपनी या उनके साथ बैठकर। देन मिसेस पियर्सन इन अ हेजिटेटिंग फॉर्म सेड, वेल यस आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस। उन्होंने बोला, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ बैठें और हम लोग साथ में कोई एक गेम खेलें लाइक द गेम ऑफ रमी, लेकिन ये सब पॉसिबल होता है सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस डे पर, वो भी एक्सपेक्टेडली कभी, हर साल नहीं। देन मिसेस फिट्ज़गेराल्ड गेटिंग अप, अब वो वहाँ से उठी और उन्होंने बोला, दैट ऑल विल डू। उन्होंने बोला, अब ऐसा ही होगा, कुछ बातें आपकी खुशी की भी होंगी। शी मूव्स टूवर्ड्स अ डोर लेफ्ट एंड टर्न्स, बट रिमेंबर कीप फर्म और यू हैव हैड इट। शी ओपन्स द डोर कॉलिंग, होय यू कैन कम इन नाउ। Coming away from the door and moving right slightly, quietly. But remember a firm hand. उन्होंने बोला, ये सारी बातें, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो सब पूरी होंगी, बट आपको एक ही काम करना पड़ेगा। Sometimes you should be strict to them and firm towards your decision, कि आप कभी भी अपने आप को बदले नहीं या उनके अकॉर्डिंग अपने आप को ना ढालें। एंड तब जाकर उन्होंने डायरेक्टली गेट के बाहर जाते हुए भी यही बोला कि रिमेंबर करना, यू हैव टू टेक अ फर्म हैंड या फिर अ फर्म स्टैंड फॉर योरसेल्फ। नाउ जॉर्ज डोरिस एंड साइरल फाइल इन थ्रू द डोरवे लुकिंग अप्रिहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन। अब जॉर्ज डोरिस और साइरल तीनों ने डोरवे की तरफ आते हुए एक अप्रिहेंसिव फॉर्म में उनको देखा, एक डाउटफुल फॉर्म में, कि सब कुछ सही हो गया होगा ऐसी उम्मीद है। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एंजॉय योर सेल्फ। अब यहाँ पर मिसेस फिट्ज़गेराल्ड ने बोला कि अब मैं घर जाती हूँ और एंजॉय योर फैमिली बाय योर सेल्फ। कमिंग टू द लास्ट पेज ऑफ द स्टोरी, दैट इज पेज नंबर 52। द फैमिली लुक्स एंशियस at Mrs. Pearson, who smiles much relieved, they smile back at her. A family काफ़ी ज़्यादा excited, एक anxious form में Mrs. Pearson की तरफ देख रही थी and Mrs. Pearson वो एक calm smile दे रही थी कि she is back to her spirit और वो काफ़ी ज़्यादा relaxed थी और same was with the family, वो भी उनको एक relaxed form में देख कर खुश हो रहे थे। Doris anxiously, yes mother. Doris ने अचानक से mother से पूछा, मीन्स और मदर बताइए आपकी स्माइल का कारण क्या है। मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, सीइंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट आई टेल यू व्हाट आई थॉट वी वुड डू। उन्होंने बोला, मैं खुश हूँ कि आज आप बाहर नहीं जा रहे हो, अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे आज क्या करना है। मिसेस फिट्ज़गेराल्ड गिविंग अ फाइनल वार्निंग, रिमेंबर वो अभी भी घर के बाहर ही खड़ी हुई थी और उन्होंने फाइनल लाउड वार्निंग दी, ध्यान देना कि आप क्या बोल रहे हो। तब मिसेस पियर्सन शी नॉडेड, उन्होंने अपना सर हाँ में हिलाया। देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, नो ऑब्जेक्शंस आई होप, उन्होंने फैमिली की तरफ एक शार्प टोन में बोला, शायद आज तुमको कोई ऑब्जेक्शन ना हो कि मैं क्या सोचती हूँ। जॉर्ज ने एक हम्बल फॉर्म में बोला, नो मदर वॉट एवर यू से, मीन्स जॉर्ज उनको माता बोल रहे थे, द मदर आप जो बोलेंगे हम सब एक्सेप्ट करेंगे। देन मिसेस पियर्सन अगेन शी वॉज स्माइलिंग, I thought we would have a nice family game of rummy and then you children could get the supper ready while I have a talk with your father. उन्होंने बोला, मैं चाहती हूँ कि आज हम सब एक साथ बैठकर रमी खेलें और आप दोनों चिल्ड्रन आज का सपर बनाएंगे, मीन्स इवनिंग स्नैक फॉर अस, मीन्स फॉर बोथ ऑफ यू एंड योर फादर एंड मी, एंड तब तक मैं एक छोटा सा
एक टॉक सेशन रखना चाहती हूँ विद योर फादर, आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक हिम। जॉर्ज फर्मली, सूट्स मी। उन्होंने एकदम मान लिया कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, इट सूट्स मी कि मैं आपके साथ बैठकर कुछ बात करूँ। ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, वॉट अबाउट यू टू? तब उन्होंने बोला ये मेरे लिए एक चैलेंज है क्योंकि आज तक मैंने ऐसे बात नहीं करी है, बट आप दोनों के बारे में क्या, क्या आप एग्रीड हो टू प्ले रमी एंड टू डू द सपर? देन साइरिल, ही वॉज हेजिटेटिंग, यस दैट्स ऑल राइट, मीन्स उसका मन नहीं था बट तो भी उसने हेजिटेटिंगली एक्सेप्ट किया, ओके इट्स फाइन। डोरिस वॉज ऑल्सो हेजिटेटिंग, वेल आए, वो हेजिटेट हुई, बट जैसे ही उन्होंने आए बोला, मिसेस पियर्सन ने शार्पली बोला व्हाट, स्पीक अप, गुस्से में। तो डोरिस शी वॉज एग्रीड, ओ आई थिंक इट वुड बी लवली, उसने एग्री कर लिया दिस टाइम उनके एंगर को देखकर। देन मिसेस पियर्सन शी वॉज स्माइलिंग, गुड बाय मिसेस फिट्ज़गेराल्ड, कम अगेन सून। अब वो स्माइल कर रही थी और मिसेस फिट्ज़गेराल्ड के लिए थैंक्स भी उन्होंने फील करा, एंड शी टोल्ड हर टू विजिट अगेन हर वेरी सून। मिसेस फिट्ज़गेराल्ड, येस डियर, नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम। उन्होंने गुड नाइट विश करा सबको और बोला हैव अ नाइस टाइम टू ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर। देन शी फाइनली एग्जिटेड फ्रॉम द हाउस एंड विद दिस द कर्टन्स फॉल, मीन्स द प्ले वॉज हैविंग एन एंड। द फैमिली वॉज हैवी एंड मदर मस्ट हैव गॉट सम टाइम फॉर हर सेल्फ इन फ्यूचर। So with this, we have ended our story. I hope you must have liked it and you will give time to your mother as well. Thank you, class, and have a nice day.